नारी इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत कृति और सबसे मजबूत भी। हिंदू धर्म की मान्यता में ये भी कहा जाता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। और जब नारियों को समाज में भागीदारी का मौका मिला उसने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया। पीटी उषा भारत की धाविका, कल्पना चावला प्रथम स्पेस महिला, गीता फोगाट, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी संधू, सानिया मिर्जा, ये वो नाम जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत, काबिलियत के बल पर इतिहास लिखा। ऐसे ही इतिहास लिखने की एक दास्तान का नाम है जिसने सिलाई मशीन से अपने सपनों की शुरुआत की, समय के अनुरूप अपने व्यवसाय को बदला और अपनी किस्मत की कहानी लिखी। हैदराबाद और सेफ शॉप की डायमंड लीडर मिसेज एस सुजाता। तीन भाइयों की इकलौती बहन सुजाता, पिता श्री नरसिमुलु खेती करते और मां श्रीमती पद्मा घर गृहस्थी को संभालती। इन्हीं की तीसरी संतान सुजाता दो भाइयों से छोटी और एक भाई से बड़ी। शिक्षा ZPHS रविराला से दसवीं तक पूरी की, फिर आर्थिक हालात खराब हुए, पानी पर निर्भर खेती ने दम तोड़ा तो गांव के साथ शिक्षा का दामन भी छूट गया। पिता परिवार के साथ हैदराबाद आ गए। यहां जो काम मिला उसे कर अपनी बेटी सुजाता को बड़े अरमानों के साथ एस गोपी के साथ वैवाहिक जीवन में बांध दिया। पर शायद सुजाता की किस्मत उनके साथ नहीं थी। वो तीन बच्चों की मां बनी और तीनों बच्चों के साथ वो अपनी ममता को बांट नहीं पाई। सूने आंचल में सिर्फ बेबसी रह गई। पति ने साथ छोड़ दिया। अब सुजाता अपने पिता के पास वापस आ गई। तब माता पिता मजबूत सहारा बन साथ खड़े हुए। भाइयों के साथ वो जीवन की राह पर वापस आने लगी। घर पर सिलाई का काम कर अपने आप को व्यस्त रखती और साथ ही अपने आप को किसी पर बोझ ना बनने देती। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। तभी हवा का रुख बदला। किसी और को समझाने आए शख्स ने उनको सेफ शॉप की चाबी थमा दी। उसे ज्वाइन करने का निर्णय किया पर हाथ में पूंजी नहीं थी और कोई पूंजी लगाने वाला भी नहीं। तब माँ बाप का दिया हुआ जेवर काम आया। उसे गिरवी रख सेफ शॉप में रम गई। धीरे धीरे शुरुआत की। पर लोग मना करते। अब सुजाता के पास वापस आने का कोई रास्ता ना था। मेरा सपना अपना गहरा गहरा सा। सारे
शहर की जगमग के भीतर है अंधेरा, हर मुस्कान के पीछे छुपा हुआ गम का चेहरा। यही है सच तो हर पल को जी लूं मैं जी भर के, और हंस हंस के ये कह दूं दुखों के पत्थर से। अपलाइन और मेंटर अभिषेक सर ने सोमा शंकर सर के साथ ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू किया, ट्रेनिंग सीखती और उनको सिखाती, सुजाता अपने व्यवहार में प्रस्तुत करती। मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, विजय भव, गगन कहे विजय भव। टीम ने 10,000 से अधिक, लगभग दुगने का आंकड़ा छुआ और रवि राला गांव की पुत्री बनी हैदराबाद की पहली महिला डायमंड लीडर मिसेज एस सुजाता। सफल है अजय अटल है, पर्व हम है, पर्व हम है असीम, रॉयल रॉयल टाइगर स्टीम। ये टाइगर्स का हुंकारा है, शबनम नहीं शरारा, उम्मीदों को हमने आकार दिया है, लाखों में जो सपने पाले हमने साकार किया है, तूफानों से बवंडरों से मंचल के आंख मिलाते हैं, जहां जाने से मृत्यु का बेताल ढोक बढ़ जाते हैं, सकल विश्व के हम है विजेता जिसकी गवाही जग है दे।